अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम बनाने वाले हैं सैंडविच। तो हमने ब्रेड ले लिए हैं और ये हमारी जो मतलब सब्ज़ी बच जाती है ना, जो तो उसके उससे बनाने वाले हैं आज हम ये। तो सबसे पहले हम ये ब्रेड्स को कट कर रहे हैं। तो हमने ये ब्रेड्स कट कर लिए हैं। तो हम ना सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम ये केचप लगा रहे हैं ब्रेड पर। टोमेटो केचप है ये, अच्छे से स्प्रेड कर लगा दीजिए इसको। सिर्फ जो नीचे वाला पार्ट है ना उस पर लगानी है, अगर आप चाहें तो ऊपर वाले पर भी लगा सकते हैं। मैंने ना सिर्फ नीचे वाले पर लगाया है। जो नीचे वाला ब्रेड होता है ना उस पर, तो हमारे ये हमने लगा लिए हैं। तो हम सब्जी रख देते हैं इस पर, लगा देते हैं। अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए बिल्कुल। तो हमने ये अपने सारे ब्रेड्स पर लगा लिए, सब्जी और ये सब पूरे सैंडविच हो गए हमारे ये। अब हमें सिर्फ इसको फ्राई करना है। हमने फ्लेम कर दी है ऑन, हमने उस पर रख दिया है तवा। हमारा पैन बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। हमने इसमें देसी घी डाला है, अगर आप चाहें तो बटर में भी कर सकते हैं। हमने 1 टेबल स्पून देसी घी डाला है। अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए इसको। अपने ब्रेड रख रहे हैं इस पर। ज़्यादा ब्रेड नहीं रखने हैं वरना प्रॉब्लम हो जाएगी इसको फ्राई करने में। सिर्फ 2 से 3 ब्रेड रखिएगा। इसको अच्छे से हल्के हल्के प्रेस कर सेक लीजिए इसको। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसको नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको टर्न कर देंगे। देखिए हमारे ये कितने अच्छे ब्रेड एकदम सिके हैं। तो हमने इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से होना है हमारे ब्रेड ये। इसमें ना ज़्यादा ऑयल का मतलब यूज़ नहीं करना है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मैंने नहीं ज़्यादा यूज़ करा, ज़्यादा ऑयली। देखिए हमारे ब्रेड एकदम सैंडविच एकदम बन के तैयार हैं। जो हमारे और जो बचे हुए हैं हम उसको भी ऐसे फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा ये भी इतना अच्छा कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो देखिए गाइस, ये बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी रेसिपी है, जो अगर आपकी सब्ज़ी जो मतलब वेस्ट हो जाएगी ना उसके अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं आप। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा ईजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।